मौसम की बेरुखी, खेतों में पानी एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा कृषि के संबंध में तकनीकी एवं वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में छोटे किसानों के लिए अपनी जमीन से परिवार का गुजारा करना आसान नहीं है। यही कारण है कि आज के युवा पीढ़ी खेती से विमुख हो रही है। पीढ़ियों से पारंपरिक खेती कर रहे जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत गलौड़ के गांव गुरिया के किसानों की कहानी भी 2 वर्ष पहले तक कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका के सहयोग से चलाई जा रही फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के कारण सूर्या के किसान अब खुशहाली की राह पर चल पड़े हैं। जायका परियोजना के कारण इस गांव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कि अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो रहा है। दरअसल सिंचाई के साधन न होने के कारण गुरिया के किसान पूरी तरह मौसम पर ही निर्भर थे और केवल गेहूं तथा मक्के की फसलें ही उगाते थे। इनकी पैदावार भी बहुत कम होती थी तथा गांव के अधिकांश किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा ही साबित हो रही थी। मौसम की बेरुखी से परेशान गांव के कई किसान तो खेती से ही तौबा करने लगे थे। हताशा निराशा के बीच जायका परियोजना इन किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। जायका परियोजना के तहत गांव गुरिया के लिए एक उप परियोजना स्वीकृत की गई। उप परियोजना के तहत गांव में लगभग 52 लाख रुपए की लागत से एक लघु उठाव सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में गाँव के साथ बह रहे नाले से ही सौर ऊर्जा की मदद से पानी उठाकर एक बड़े भंडारण टैंक में डाला गया और वहां से अन्य छोटे टैंकों में एवं आधुनिक सिंचाई उपकरणों से लगभग 10.76 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंध किया गया। ये योजना जून 2018 में चालू हो गई। अत्याधुनिक फवारा और टपक सिंचाई उपकरणों से पानी मिलने पर गांव के खेतों तथा किसानों को मानो नई संजीवनी मिल गई। लघु सिंचाई योजना और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए गांव में कृषक विकास संघ का गठन किया गया, जिसमें लगभग 35 किसान परिवार शामिल किए गए। जायका के माध्यम से ही गांव में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से पक्की सड़क का निर्माण किया गया। गांव में ढांचागत विकास कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उत्साहित किसानों ने जायका की विभिन्न गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और वे पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण की ओर भी अग्रसर होने लगे, विशेषकर सब्जियों और अन्य नकदी फसलों की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा। परियोजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई एवं कृषि उपकरण, मल्चिंग शीट तथा उन्नत बीज उपलब्ध करवाए गए। अब गुरिया के खेतों में पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी अच्छी खासी पैदावार हो रही है। सिंचाई सुविधा मिलने के बाद गेहूं और मक्के के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जायका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद के शर्मा ने बताया कि गुरिया में पहले खरीफ सीजन में एक हेक्टेयर में औसतन 19 क्विंटल पैदावार होती थी, जबकि 2019 के खरीफ सीजन में ये बढ़कर 24.06 क्विंटल तक पहुंच गई। इसी प्रकार 2019-20 के रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर 24.76 क्विंटल पैदावार हुई, जो कि पहले औसतन 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही होती थी। 2019 के खरीफ सीजन के दौरान गांव की 1.5 हेक्टेयर भूमि और रबी सीजन 2019-20 में 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया गया। इस प्रकार जायका परियोजना के कारण गुरिया के किसानों की आय में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई। पहले यहां के किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 55,736 रुपए आय होती थी, जबकि वर्ष 2018-19 में उनकी प्रति हेक्टेयर आय 2,74,170 रुपए तक बढ़ गई। जायका परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास एवं फसल विविधीकरण के साथ साथ किसानों की उपज के बेहतर विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय में अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो सके। इसी के मद्देनजर गुरिया में लगभग 37 लाख रुपए की लागत से कलेक्शन सेंटर बनाया गया। इसमें लगभग 10 लाख रुपए का कूलिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक फसलों, सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मशीनें तथा ग्राइंडर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जायका परियोजना से गुरिया के किसान नई राह पर चल पड़े हैं। शुरुआती दौर में गांव के 35 परिवार इससे जुड़े थे, अब अन्य लोग भी फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं। इसमें
मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले शामिल हैं। हमीरपुर सभी जिलों में पहले सिंचाई की सुविधाओं का प्रावधान किया जा रहा है और उसके उपरांत किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि जब भी किसानों से बात की जाती है खेतीबाड़ी में सुधार लाने के लिए तो सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि जी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परंतु इस परियोजना में हमने पहले पानी की सुविधा का प्रबंधन किया है किसानों की खेती के लिए, उसके उपरांत उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जो फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं, मक्की, गेहूँ, धान हैं, इनको से कुछ क्षेत्रफल को शिफ्ट करके और सब्जियों की तरफ को इसमें लाया जाए जिससे उनकी आमदनी में सुधार हो सके। इसी कड़ी में हमने हमीरपुर ज़िले की एक गांव है, गुरिया गांव है, जिसमें इसी परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधा का प्रावधान किया गया। इस सिंचाई सुविधा पर 50 लाख से ऊपर रुपये का खर्चा किया गया, जिसमें कि ये लिफ्ट सिंचाई योजना है कि एक कुएं से पानी को उठाकर टैंक में डाला गया और वहां से सारी ज़मीन को सिंचाई की सुविधा का प्रावधान किया गया है। इस गांव का कुल क्षेत्रफल लगभग 10.5 हेक्टेयर है और जिसमें 35 किसान परिवार खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। शुरू शुरू में जब पानी की सुविधा किसानों को मुहैया कराई गई तो उनका अनाज की फसलों से हटकर सब्जी की उत्पादन की तरफ को ले जाना कठिन था, लेकिन उनको लगातार मोटिवेशन और ट्रेनिंग करवा के उन्होंने सब्जी उत्पादन की तरफ को अपना रुख अपनाया। जो मुख्य सब्जियां वहां लगाई जा रही हैं वो हैं खीरा है, बैंगन है, भिंडी है, कद्दू है, लौकी है, ये बरसात के मौसम की फसलें हैं और सर्दियों के मौसम में गोभी, फूलगोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, मटर और आलू इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ के किसानों ने लगभग 20% एरिया जो है अपना ज़मीन जो है जो पहले जहाँ अनाज लगाते थे उससे हटकर इन सब्जियों की तरफ को चलना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो एरिया हमने शिफ्ट किया है अनाज की फसलों से सब्जी की तरफ को, उसमें अनाज की फसलों की भी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए हमने लोगों को कई तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं। इनको जहाँ अच्छी पैदावार होती है फसलों की वहाँ उन गांवों में लेके गए हैं, उन जगहों पे लेके गए हैं और साथ में डेमोस्ट्रेशन के द्वारा अब जो खरीफ की फसलें हैं उनमें किसानों ने 30% से ऊपर जो है पैदावार में बढ़ोतरी कर ली है और जो रबी की फसलें, गेहूँ की फसल जो है मुख्यतः उसमें 40% से ऊपर तक की पैदावार में बढ़ोतरी कर ली की गई है। और इसके साथ जो सब्जी उत्पादन की तरफ को लोग अग्रसर हुए हैं, तो हमने जो आकलन किया था वहाँ सर्वे करके गाँव का, लगभग 55,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर उसकी आमदन किसानों को हो रही थी, लेकिन जब फसल विविधीकरण की तरफ को उन्होंने अपने 20% ज़मीन के हिस्से को सब्जियों के उत्पादन की तरफ को लगाया उसके बाद उनकी 5 गुना से भी ज़्यादा उनकी जो आमदन है वो बढ़ गई, मतलब कि 55,000 से लगभग 2.5 लाख रुपए तक जो है अब किसान जो है प्रति हेक्टेयर जो है आमदन ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसी गांव में हमने एक कलेक्शन सेंटर भी बनाया है जो आसपास के 6 और जो गांव हैं जहां सिंचाई की सुविधा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई है उनके लिए इसको बनाया गया है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या और किसी तरह की एक्टिविटी जो गाँव के इस